जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी में आतंकी। अब अखनूर इलाके में दिखे तीन संदिग्ध दहशतगर्द। भारतीय सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कठुआ हमले के बाद भारतीय सेना न सिर्फ एक्शन मोड में है, बल्कि कठुआ के साथ साथ डोडा के जंगलों में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए भारतीय सेना ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले रही है, और जिस तरह से भारतीय सेना का एक्शन शुरू हुआ है, उससे कहीं ना कहीं दहशतगर्द डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी बीच जम्मू के अखनूर में कानाचक इलाके में स्थानीय लोगों ने तीन संदिग्धों को देखने के बाद इसकी जानकारी तुरंत भारतीय सैनिकों को दी। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। आतंकियों की तलाश के लिए कठुआ, उधमपुर, डोडा बेल्ट की पहाड़ियों और घने जंगलों में सेना के कई जवानों को तैनात किया गया है। बता दें आपको, यहाँ पर सोमवार को कठुआ इलाके में सेना के जवानों पर हुए हमले के बाद से ही दहशतगर्दों की तलाश जारी है। तो इसी बीच अधिकारियों ने बताया कि 60 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसमें तीन ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर शक है कि उन्होंने दहशतगर्दों को खाना और रहने का स्थान भी दिया था। इसमें एक महिला भी शामिल है जिसने 10 से 15 लोगों के लिए खाने का सामान किसी शख्स को सौंपा था। सुरक्षा बलों को शक है कि ये खाना दहशतगर्दों के लिए हो सकता है। इसी के साथ साथ अधिकारियों ने बताया कि इस हमले के बाद कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के वरिष्ठ पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को लेकर चर्चा की। माना जाता है कि दहशतगर्दों ने इसी क्षेत्र से घुसपैठ की है। इस बैठक में आतंकियों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा हुई। तो इसी बीच भारतीय सेना ने कठुआ, उधमपुर और डोडा के जिलों के जंगलों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग का दायरा भी बढ़ा दिया है। वजह यह है कि इन इलाकों में जून के बाद से आतंकी हमलों में अचानक से इजाफा हुआ है, तो वहीं आतंकी अब इन इलाकों से बाहर ना निकल सके, इसे देखते हुए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा सेना ले रही है। और तो और, खोजी कुत्तों की मदद से सेना दहशतगर्दों के पास तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हो रहा है, और इसी बीच अखनूर में संदिग्ध दहशतगर्दों के दिखने का दावा किया गया है, उससे कहीं ना कहीं सेना और ज्यादा एक्शन और सतर्क हो गई है, क्योंकि सेना और पुलिस किसी भी हालत में इन दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब नहीं होना देना चाहती है। फिलहाल दहशतगर्दों की तलाश जारी है और उन्हें मिट्टी में मिलाने का सेना का प्लान भी तैयार हो चुका है, क्योंकि सेना को अपने 5 जवानों की शहादत का बदला जो लेना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।